आजकल मीडिया में एक विवाहित जोड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। ब्राह्मण भाजपा विधायक की बेटी साक्षी, जिसने एक दलित युवक अतिजेश के साथ लव मैरिज करी, दोनों ने शादी प्रयागराज के एक मंदिर में की, जिसके बाद दोनों ने विवाह का प्रमाण पत्र सार्वजनिक भी किया, जिसमें साफ तौर पर दोनों विवाहित जोड़ों का नाम, शादी की तारीख, विवाह स्थल और समय के साथ सभी जानकारियां लिखी हुई थी। हाल ही में इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली बिथरी जौनपुर से भाजपा विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी और दलित युवक अतिजेश कुमार ने जिस मंदिर में शादी की थी, वहां के महंत ने बड़ा खुलासा किया है। जिस मंदिर में दोनों की शादी हुई है, वहां के महंत परशुराम सिंह ने प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। अति प्राचीन राम जानकी मंदिर के महंत परशुराम सिंह ने इस विवाह की जानकारी से ही इनकार करते हुए शादी के प्रमाण पत्र को ही फर्जी करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस मामले में कानूनी मदद लेंगे। मंदिर के महंत परशुराम सिंह ने बताया कि उनके मंदिर में न शादी होती है और न ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी होता है। शादी के प्रमाण पत्र पर भी आचार्य विश्वपति शुक्ल का नाम लिखा हुआ है, जिसके बारे में भी वहाँ के महंत पुजारी ने कहा कि उन्हें आचार्य विश्वपति जी शुक्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का नाम बदनाम किया जा रहा है और वह इस बारे में कानूनी मदद लेंगे। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के युवक से शादी करने के बाद बरेली की भाजपा विधायक की बेटी साक्षी और उसके पति ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। अदालत में साक्षी ने अपने व अपने पति की सुरक्षा की मांग भी करी है। इन दोनों की तरफ से उच्च न्यायालय में अपने विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रयागराज के बेगम सरयू स्थित अति प्राचीन राम जानकी मंदिर में विवाह होने और वहीं से प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। इस प्रमाण पत्र पर साहित्याचार्य कर्मकांड विशेषज्ञ आचार्य विश्वपति जी शुक्ल का नाम दर्ज है। मंदिर के पुजारियों ने न जाने किसके दबाव में आकर इस प्रमाण पत्र को ही फर्जी साबित कर दिया। हालांकि इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने दोनों को सुरक्षा और शरण देने की अर्जी को स्वीकार किया था। मंदिर प्रशासन ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया है कि शादी उनके मंदिर में हुई है। उन्होंने यहां तक यह भी कहा है कि हमारे मंदिर में शादी होती ही नहीं है, यह प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई सच्चाई का आधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या मंदिर के पुजारी किसी के दबाव में आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं? इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा? देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।